नमस्कार मेरे किसान मित्रों, हमारी आज की वीडियो जो होने वाली है वो होने वाली है कुबोता M4501 45 HP का ट्रैक्टर है। साथ में बाबा का प्लाव है और परफॉर्मेंस देखेंगे कैसा चलता है। और जापानी कंपनी वैसे ट्रैक्टर कुबोटा बनाती तो बहुत ही अच्छा है। और आज देखते हैं परफॉर्मेंस। पीछे जो प्लो है वो बाबा का प्लो है, 450 किलो का है, हैवी है, एकदम हैवी ड्यूटी है। बाकी आज और बाकी बढ़िया, ट्रैक्टर भी बढ़िया और प्लो भी बढ़िया। और देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस है ट्रैक्टर का। अरे किसान मित्र, जरा ट्रैक्टर स्टार्ट करते चलाना, देखते हैं परफॉर्मेंस। अभी देखो दोस्तों, ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया है। और अभी चलाएंगे लॉक के तीसरे में चलाएंगे। देख लो दोस्तों, ऐसे चीते की तरह निकल रहा है, परफॉर्मेंस शानदार है, पूरी मिट्टी ले रहा है। अरे आगे से कभी कभी उठ जा रहा है, लॉक का वेट ज़्यादा है, इसीलिए शानदार परफॉर्मेंस है ट्रैक्टर की भी। और जो ये चल रहा है ये कच्छ गुजरात के गांव में चल रहा है, चौबारी गांव में। और ये इधर लगता है गेड़ी मिट्टी है, इसीलिए ऐसे रुक रुक के चल रहा है। और दोनों हाइड्रोलिक मेरे ख्याल से दोनों हाइड्रोलिक के नीचे है। बाकी परफॉर्मेंस भी शानदार है ट्रैक्टर की, बढ़िया जा रहा है। और इसमें हम जीरा बोने वाले हैं, शानदार परफॉर्मेंस के साथ में ट्रैक्टर। अब मैं आपको थोड़ा पीछे से दिखा दूँ कितनी मिट्टी ले रहा है, देख लो दोस्तों। कहीं कहीं पे 1 फुट, कहीं पे 2.5, क्या 1.5 फुट ले रहा है मिट्टी। और यह देखो कितने सारे हैं, ये मिट्टी के पत्थर निकले हैं। ये खेत एकदम सूखा है, इसीलिए हमारे क्षेत्र में इस साल बारिश बहुत ही ज़्यादा हुई थी और धीरे धीरे हुई थी ना, इसीलिए सबकी सब जमीन एकदम पत्थर की तरह हो गई है। इसीलिए किसानों का ट्रैक्टर को भी बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, और कुछ नहीं है। बाकी आप देख रहे हो सामने उसका एक राउंड पूरा होने वाला है, मेरे ख्याल से 3 साढ़े 3 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है ट्रैक्टर। कहीं कहीं पे नीली माटी आती है और कहीं कहीं पे पत्थर जैसी आती है। बाकी ट्रैक्टर तो शानदार चल रहा है, और मैं एक बार आगे से भी दिखा दूंगा आपको। शानदार परफॉर्मेंस है। और देख लो दोस्तों कितनी मिट्टी ले रहा है, पूरी मिट्टी ले रहा है ट्रैक्टर। परफॉर्मेंस भी शानदार है। लिफ्ट सेंसिंग कुबोटा की अच्छी आती है, इसमें 3 MB रिवर्सिबल प्लो चलाओ फिर भी चलेंगे, और वो इतने गहरे नहीं जाएंगे। ये 2 MB रिवर्सिबल प्लो ज़्यादा गहरे जाते हैं। और किसान है ना बढ़िया खेती करते हैं, ऐसा थोड़ी जैसी तैसी खेती कर दी तो बाद में क्या क्या बोलते हैं हम, वो खेत में जो धान होता है वो अच्छा होगा नहीं तो किसान नुकसान में ही जाएगा। डीजल भी महंगा हो रहा है आजकल बहुत ही ज़्यादा, और सरकार अभी किसानों के लिए नए 3 बिल पास किए, उससे मैं भी नाराज हूँ बहुत ही ज़्यादा। बाकी देखते हैं अभी गवर्नमेंट क्या करते हैं करती है। और ये दूसरा राउंड लेके जा रहे हैं, आराम से जा रहे हैं इस बार तो, ज्यादा लीवर भी नहीं दे रहे हैं ट्रैक्टर को। और अभी क्या हुआ मालूम नहीं, रिटर्न ले रहे हैं मेरे ख्याल से ज्यादा।
जमीन में नीचे गया नहीं अपलो, इसीलिए दोबारा ले रहे हैं कि ज़्यादा जाए उसे चला जाए। और यहाँ पे मिट्टी एकदम टाइट है, पत्थर जैसी हो गई है, मैंने पहले ही बोला था आपको। आगे किसान ने वेट भी लगा रखे हैं, ट्रैक्टर आगे से उठे नहीं, इसीलिए नया ही है ट्रैक्टर, अभी 4-5 महीने हुए इसको। पूरी जमीन को ले रहा है ट्रैक्टर, शानदार परफॉर्मेंस के साथ में है ट्रैक्टर भी। बाकी बढ़िया, आप देख लो कैसा चल रहा है, एकदम धमाके के साथ। एकदम बढ़िया परफॉर्मेंस है दोस्तों, लोग के तीसरे में चल रहा है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर का कुबोटा का इतना आवाज भी नहीं है। शानदार परफॉर्मेंस के साथ में ट्रैक्टर पूरी मिट्टी ले रहा है नीचे से। बाकी तो, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा, वो भी देख पाए ट्रैक्टर के वीडियो, बहुत ही शानदार। और ऐसे ही आप सपोर्ट दिखाते रहना, जिससे मैं और भी अच्छा अच्छा वीडियो बनाता रहूं ट्रैक्टर के। और अब हम आपको दूसरी साइड से दिखाते हैं कैसा परफॉर्मेंस है ट्रैक्टर का। मिट्टी तो बहुत ही ज़्यादा ले रहा है ट्रैक्टर, शानदार परफॉर्मेंस है ट्रैक्टर का, क्योंकि लिफ्ट टाइम से अच्छी होती जिस ट्रैक्टर की, वो ब्लॉक में सबसे अच्छा चलता है। एक लोग किसान मित्र शानदार परफॉर्मेंस है ट्रैक्टर का। बहुत ही शानदार, और ये ट्रैक्टर भी हमारा ही है, और हमारे बड़े भाई ट्रैक्टर चला रहे हैं, और हम वीडियो बना रहे हैं। हाइड्रोलिक वाले प्लो इसलिए किसान को अच्छा रहता है, गोल गोल घूमना नहीं पड़ता है प्लो को। हाय तो भाइयों, ये 450 किलो के बाबा के प्लाव है, और इसके जो ब्लेड है वो है 15.3 इंच, जो कि 16 के टायरों में चलते हैं वही ब्लेड है, 16 इंची वाले ही, लेकिन अभी इसके 15 इंच हो गए, 15.3। और पल्टी है 2 MB में है, और ये इसका सिलेंडर है, इससे पल्टी खाता है, और इसके टायर है वो 13 के 13, देख लो 13-6-28 के टायर है, और अगले 6-16 के, और आगे वजन रखा है, पीछे 450 किलो का है, इसलिए आगे दो जॉन्डियर वाली 40-40 kg की है, 80 kg इधर है, बाकी 100-150 किलो इसमें है। और ये जो ट्रैक्टर है ये हाई लो रिविस में आते हैं, लो के 4 गियर, हाई के 4 गियर, और रिविस के 4 गियर में आते हैं। ठीक है भाई, वो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और वीडियो को कर दो लाइक, और कर दो और भी बंदों के साथ शेयर। और अब मैं अब ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ गया हूँ, और अब पिछला हिस्सा दिखाऊंगा कैसा चलता है ट्रैक्टर। हम जा रहे हैं ट्रैक्टर के साथ, और ये देखो पूरी मिट्टी ले रहा है ट्रैक्टर, मिट्टी ज्यादा है, सब गहरा ले रहा है।
देख लो दोस्तों, मिट्टी ले रहा है बहुत ही शानदार, और ट्रैक्टर की दोनों ने देख लो दोस्तों, हम ट्रैक्टर से ऊपर है और इस तरह दिख रहा है परफॉर्मेंस, मिट्टी दोनों में ले रहा है और शानदार मिट्टी। देख लो अब हम इसकी लिफ्ट सेंसिंग की टेस्ट करेंगे, किसान को बोलेंगे नीचे आ जाओ, और ये किसान हमारे नीचे आ गए हैं ट्रैक्टर से, और ट्रैक्टर ऐसे ही जा रहा है, बिल्कुल दब नहीं रहा है, और पीछे देखो कितने गहरे पत्थर निकल रहा है, जानदार परफॉर्मेंस के साथ में ट्रैक्टर, लिफ्ट सेंसिंग बहुत ही बढ़िया है ट्रैक्टर की। देख लो दोस्तों, वैसी की भी बढ़िया आती है, महिंद्रा की हाइड्रोलिक सबसे ज़्यादा अच्छी आती है वैसा सुनने में आया है, हमने कभी महिंद्रा लिया नहीं है और चला भी नहीं है इसीलिए, और उसने परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, टाटा बाय बाय, सी यू।